लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे लड़की को देखा गया आपने? क्या हुआ साहब? इस लड़की को देखा आपने? हमें पता लगा है कि ये लड़की मुंबई से वृंदावन आई है। साहब दिन में हजारों पैसेंजर आते हैं इसे तरफ। हम किस किस की शक्ल याद रखे हैं? ठीक है, मैं खुद चेक कर लेता हूँ। हे राधे कृष्णा, मंगल कलश नहीं गिरा पा रही बहू, तो ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। छोटी बहू, गृह प्रवेश करो। इसमें पैर रखकर दाएं पैर से अंदर आओ छोटी बहू। बस मुझे थाम लीजिए। आपका साथ होगा तो मुझे दर्द नहीं होगा।
फातिमा लगता है राधिका थक गई है, इसे मैं कमरे में ले जाऊं? हाय हाय देवर जी, छोटी बहू थकी है या नहीं आपको तो बस बहाना चाहिए उनको कमरे में अंदर ले जाने का, उनके साथ अकेले वक्त बिताने का। और वैसे भी क्यों ना हो, आपका हक जो है, और हमने वो कमरा बहुत चाव से सजाया है। चलो। Excuse me. नमस्ते। राधे राधे। जी मैं विक्रम। जी कहिए। जी मैं विक्रम मुंबई से। कहिए। जी मुझे विशाखा से मिलना है। यहां कोई विशाखा नहीं रहती। लेकिन पता तो यही दिया था। अवश्य आपको उचित पता नहीं दिया, यहां कोई विशाखा नहीं रहती। राधे राधे। नहीं लगा ना बड़ी बहू? अरे बड़ी बहू ये क्या हो रहा है, राधिका ने घर की दीवार पे छप्पे भी लगा लिए, छोटी बहू बनके गृह प्रवेश भी कर लिया और विशाखा का कोई अता पता ही नहीं। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है चाचा जी कि विशाखा को इतनी देर क्यों लग रही है। मृणालिनी भाभी हम तो कहते हैं कि एसएमएस भी छोड़ दीजिए। क्यों बाबू जी? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़िए। वो भी कर चुकी हूँ अर्जुन, एसएमएस भी छोड़ चुकी हूँ। हो सकता है वो बस में हो इसीलिए फोन अनरीचेबल आ रहा है। नहीं अभी भी देर नहीं हुई है, हमें थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। भगवान वो बस जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे। आज से हम अपना नया जीवन शुरू कर रहे हैं काना। आपने मुझे मेरी राधिका देकर मुझे सब कुछ दे दिया है। क्या मिला है उन्हें काना? एक जली हुई लड़की। सुंदरता नारी का धन होता है और मेरे पास वही नहीं है। गोपाल राधे राधे, गोविंद। कहीं ऐसा ना हो मैं अपने प्यार को फिर से खो दूं। मेरा मन बहुत कमजोर पड़ रहा है कान्हा, मुझे शक्ति दो। हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं होगा कान्हा। मुझे वो शक्ति दे दो कान्हा कि मैं कभी भी राधिका के मन को कमजोर ना पड़ने दो। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। छोटी बहू के गृह प्रवेश की खुशी में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन होने वाला है। लेकिन वो सेलिब्रेशन क्या होगा ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। तो चलें, आइए सब लोग। अरे देव,
इधर उधर क्या देख रहा है, चलाना तेरे और राधिका के बैठने के लिए उधर वो झूला लगा है, जा बैठ जा वहां पे। चलो राधिका, मैं अभी आया। विशाखा के आते तक राधिका की परेशानी बढ़ाना बहुत जरूरी है, समझ गई ना? वो तो करना ही पड़ेगा। लग जाओ। आज रात तुम्हारी सुहाग रात है और भाभी होने के नाते तुम्हारी सेज मैंने सजवाई है, पर मैं सोच रही थी कि तुम्हारे कमरे में फूलों की सजावट रखूं या बैंडेज की। बेड के बगल में पान की तश्तरी रखूं या फिर दवाइयों की ट्रे। और दूध, दूध की जरूरत तो पड़ सकती है, लेकिन सेफ्टी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखवा दो। और कमरे के बाहर नर्स की भी तो जरूरत पड़ेगी, या फिर नर्स को कमरे के अंदर ही रहने को बोल दो। नर्स की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैं हूं ना। राधिका का पति होने के नाते ये सब कुछ करना मेरी जिम्मेदारी। सोता है। और वैसे भी पति के लिए क्या क्या किया जाता है वो आप क्या समझेंगे? तुम्हारी असली जीवन साथी आ जाए घर में, फिर देखूंगी मैं। हाँ, शायद सही बोल रहा। राधिका, अभी कुछ और मत सोचो, बस अपने आप को कान्हा के हवाले कर दो। मैं जानता हूं कान्हा का नाम आते ही तुम्हारे चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान आ जाती है, और मैं वो मुस्कान देखना चाहता हूं। प्राण 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 धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन 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 प्राण 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 धा मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। झनन 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 मोर मुकुट सर कानों में कुंडल कर में मुरलिया 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 ताजे हैं। ताधी थी तत् कितने वेदी दिखाई राधा 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 सीधा दीदी सीधा दीदी थी। छननन छननन छुम छुम छननन छुम छुम छननन निरत तक्रांत कर्त छुम छननन तक्षुम तक्षुम तत् सीधा दीदी ता सीधा दीदी ता मन तट पर से आय रही ताधी थी तत् धान भिक्त सिद्ध तान भिक्त सिद्ध धन
रहे रात भर। सोए जाने किस बात पर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही आके बोल, कान्हा गांठे सारी खोल, तू हेलो हेलो। हाँ भाभी, विशाखा विशाखा तुम कहाँ हो? जी मैं तो अभी वृंदावन में ही हूँ। विशाखा विशाखा तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए था ना, वो भी शाम होने से पहले। हाँ भाभी, पर मैं निकल ही नहीं पाई। क्या हो गया? भाभी वो मैं मिलके बताऊंगी। हाँ तो कब मिल रही हो विशाखा? तुम इनफैक्ट एक काम करो, अभी निकल लो, टैक्सी ले लो, 3-4 घंटे में तुम आ जाओगी यहाँ पर। नहीं भाभी, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। तुम हमें यहाँ इंतजार करवा रही हो क्योंकि तुम्हें वहाँ किसी का इंतजार है? क्या बकवास है विशाखा। देखो तुम हमें पहले बहुत इंतजार करवा चुके हो, अब जल्दी आओ प्लीज विशाखा। नहीं भाभी, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं बाद में आती हूँ ना। पता नहीं किसका इंतजार कर रही है। Excuse me. Yeah, sure. शादी मुबारक हो। अब ये आपके लिए। क्यों आए हो यहां? अरे शादी की मुबारकबाद दे। देखो कितने अच्छे फूल हैं, फूल देने से तो मत रोको। विक्रम, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे विवेक भैया, कैसे हैं आप? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? किसी ने नहीं, देव की दूसरी शादी हो रही है और मैंने सुना कि छोटी बहू के घर आने की खुशी में बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, तो सोचा मैं भी क्यों ना शरीक हो जाऊं और खुद मिलके ही बधाई दे दूं। और वैसे भी पिछली शादी तो मैं अटेंड कर नहीं पाया, सो ये शादी मैं मिस नहीं करना चाहता था। एनीथिंग रॉन्ग? विक्रम, हम तुम्हें यहां से धक्के मरवा के बाहर निकलवाएं या तुम स्वयं यहां से चले जाओगे? ओके okay, मेरी वजह से पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए। प्रणाम।
वो अच्छा इंसान नहीं है राधिका। मैं नहीं चाहता ऐसे किसी भी इंसान का साया हमारे खुशी के पलों पर पड़े। आप लोग रुक क्यों गए? शुरू कीजिए ना। सुनो, दुल्हन को भी जाके नचाओ। ऐसे कैसे? अरे राधिका, 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 राधिका।